हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास सिक्स के साइंस चैप्टर नंबर वन सोर्स ऑफ फूड के पार्ट टू वीडियो को देखेंगे अभी तक हमने देखा पार्ट वन के वीडियो में अभी तक हमने देखा और पढ़ा सोर्सेज ऑफ़ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के लिए फूड का सोर्स क्या क्या है सोर्सेज ऑफ़ फ़ूड फॉर एनिमल्स एनिमल्स के लिए सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है अगर आपने मेरे पार्ट वन के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और सब्सक्राइब करें स्टडी विथ चैनल आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बेसल मेटाबॉलिक रेट तो बॉडी का जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द फूड यू ईट हेल्प्स यू इन मेनी वेज जो फूड तुम खाते हो वो तुम्हें हर तरीके से मदद करता है इट बिल्ड्स अप द बॉडीज टिश्यू ये बॉडी का टिश्यू को बिल्ड करता है बनाता है प्रोटेक्ट्स इट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन से रोकता है रेगुलेट्स इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हम लोग के शरीर के अंदर एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करता है एंड गिव्स एनर्जी फॉर इट्स वेरियस फंक्शन और बहुत सारे कामों के लिए हम लोगों को ऊर्जा देता है योर बॉडीज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन योर एज सेक्स बॉडी वेट एंड ऑक्यूपेशन। तुम्हारा जो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारे ऐज सेक्स बॉडी वेट और ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिपेंड करता है द टेबल वन पॉइंट वन शोज द अप्रोक्समेट कैलोरीज रिक्वायर्ड डेली बाई डिफरेंट पीपल अब हम लोग देखेंगे टेबल वन पॉइंट वन में कि अलग अलग लोगों के द्वारा कितना कैलोरी या कैलोरी एनर्जी एनर्जी को हम लोग कैलोरी में नापते हैं तो कितना कैलोरी है हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कितना एनर्जी हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स जीरो वन ईयर्स सेवन पॉइंट थ्री के जी है ना बॉडी वेट सेवन पॉइंट थ्री के जी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगा वो एट हंड्रेड अभी हम लोग जनरली अगर देखें तो हम लोग का एज फिफ्टीन टू एटीन ईयरस है होता है और बॉडी वेट सिक्सटी वन के जी होना चाहिए और जो कैलोरी चाहिए हम लोग को वो थ्री थाउजेंड कैलोरी तक चाहिए गर्ल्स फिफ्टीन टू एटीन फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन के जी वजन होना चाहिए और कितना कैलोरी चाहिए ट्वेंटी थ्री हंड्रेड इसी तरह से अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग क्या दिया है एनर्जी uh, का रिक्वायरमेंट हम लोग को दिया है कि हम लोगों को कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए नेक्स्ट इवन वाइल यू आर स्लीपिंग और एट रेस्ट योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू कीप योर अलाइव बाई परफॉर्मिंग द वाइटल फंक्शन सच इज रिस्पायरेशन सर्कुलेशन डाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर हालांकि जब हम लोग सोते हैं सो रहे हैं, होते हैं और या फिर हम लोग का बॉडी रेस्ट में रहता है तब भी हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है ताकि हम लोगों को वो ज़िंदा रख सके और इसमें बहुत सारा एक्टिविटी बहुत सारा फंक्शन होता है महत्वपूर्ण फंक्शन होता है विटल फंक्शंस होता है और वो रिस्पायरेशन सांस लेना श्वास लेना है ना सर्कुलेशन का ब्लड का सर्कुलेशन जो डाइजेशन ऑफ फूड है मेंटेनेंस बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है टेम्परेचर का वो भी बहुत जरूरी होता है तो ये सब कामों को करने के लिए क्या चाहिए हम लोग का बॉडी को एनर्जी चाहिए बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम लोग बी के भी नाम से जानते हैं इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मैनी कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन इट्स फंक्शंस वेन यू आर एट रेस्ट तो बी एम आर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है तो ये एक मेज़र है एक मेज़र है पैमाना है जो क्या बताता है कि हम लोग का बॉडी को कितना कैलोरी कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए ताकि जब हम लोग रेस्ट में रहें तब वो हम लोग का बॉडी फंक्शन को मेंटेन कर सके टू डिटरमाइन योर बी एम आर अपने बी को जानने के लिए मल्टीप्लाई वन कैलोरी पर केजी पर आवर बाय योर मास इन किलोग्राम टेक दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय ट्वेंटी फोर आवर्स दिस विल गिव यू योर बेसल मेटाबॉलिक रेट इन कैलोरीज फॉर एग्जांपल सपोज यू आर योर मास इज़ फिफ्टी के सपोज़ कीजिए कि हम लोग का मास फिफ्टी के है तब हमारा बी एम आर क्या होगा तो वन कैलोरी इंटू फिफ्टी के जी इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स क्योंकि एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स होता है इसलिए ट्वेंटी फोर आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ट्वेल्व हंड्रेड कैलोरीज क्लियर है नेक्स्ट अगर कोई चालीस किलो का होगा तो उसको क्या करेंगे सिंपली वन कैलोरी कैलोरी इंटू फोटी के जी इंटू ट्वेंटी फोर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन हंड्रेड सिक्सटी कैलोरीज तो कितना कैलोरी चाहिए नाइन हंड्रेड सिक्सटी कैलोरीज फोर्टी के जी आदमी के लिए दिन भर में मतलब कि जब हम लोग रेस्ट में रहते तब कितना कैलोरी चाहिए तो नाइन हंड्रेड सिक्सटी कैलोरी चाहिए नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी अब हम लोग फूड का क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि फ़ूड क्या होता है फिर हम लोग देखें कि फूड का सोर्स क्या क्या है ह्यूमेंस के लिए एनिमल्स के लिए अब हम लोग फिर क्या देखें कि हम लोग को एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होता है बॉडी का बीएमआर के बारे में जाने अब हम लोग जानेंगे कि जब फूड इतना इम्पोर्टेंट है तो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे उसको रखें कैसे उसका जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखें तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ फ़ूड क्वालिटी मींस दैट ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फ़ूड टू इट्स कंजप्शन शुड बी हाइजेनिक मेंटेनेंस ऑफ फ़ूड क्वालिटी का कहने का मतलब क्या है कि हर एक वो क्रियाकलाप जो फूड का प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और कंजप्शन मींस उसका खपत तक क्या होना चाहिए जो क्वालिटी फूड का है वो हाइजेनिक होना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए इसमें कोई भी तरह का जम्स नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए द क्वालिटी ऑफ फूड कैन बी मेंटेन इन द फ्लोइंग वेज जो फूड का क्वालिटी है उसको हम लोग बहुत सारे तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं तो सबसे पहला तरीका स्टोरेज इसका भंडार कैसे करेंगे दिस पेरिशेबल फूड सच एज मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट्स बॉयल्ड राइस एंड मोस्ट ऑफ़ द कुकड फूड गेट इज लिया स्पॉइल्ड बहुत सारा मटेरियल जैसे कि मिल्क हो गया वेजिटेबल्स हो गया फ्रूट्स हो गया बॉयल्ड राइस हो गया और बहुत सारा पका हुआ खाना क्या होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है दे गेट स्पॉयल्ड विथ टाइम इवन एट रूम टेम्परेचर वह तब भी खराब हो जाता है जब वो रूम टेम्परेचर में मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में हो देयर फॉर देश शुड बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर इसलिए इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है जैसे फ्रिज में हम लोग रख देते हैं कोई भी खाना को विच हैव देम टू रिटेन देयर न्यूट्रेटिव वैल्यू जो कि इसको अपना जो उसका न्यूट्रेटिव वैल्यू जो उसमें न्यूट्रिशन है जो पोषक है उसमें पोषक तत्व है वो मेनटेन कर सके और खराब होने से बच सके एंड रेड्यूसेस लोसेस लॉसेज फ्रॉम स्पॉइलेस खराब होने से बच सके रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर एंड कोल्ड स्टोरेज आर सुटेबल प्लेसेस टू आर स्टोर पेरिशेबल फूड मटेरियल। तो पेरिशेबल फूड मटेरियल जैसे दूध सब्जी फ्रूट्स ये सब को क्या करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं डीप फ्रीजर में रख देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और ये सब जो जगह होता है वहाँ पर क्या होता है लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर में ये सब जल्दी खराब नहीं होता है ऑन द अदर हैंड हैंडल फूड सच एज वेट राइस एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स विदाउट गेटिंग बोल रहा दूसरे नजरिए से हम लोग देखें तो क्या होता है जो नन परिशेबल फूड मेटेरियल होता है जैसे कि वेट आटा राइस चावल पल्सेस दाल ये सब को हम लोग लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं और वो ख़राब भी जल्दी नहीं होता है दिस मटेरियल्स आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर ये सब मटेरियल को हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं नॉर्मली जैसे रखते हैं एंड इन एयर टाइट कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जिसमें एयर ज़्यादा ना हो एयर रहे ना उसमें सिर्फ हम लोग का सामान रहे इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मॉइस्चर ये क्या करेगा एयर टाइट कंटेनर उसको मॉइस्चर से बचाएगा इंसेक्ट से बचाएगा और रोडेंट से बचाएगा द प्लेस फॉर ड्राई स्टोरेज हैज़ टू बी ड्राई और जहाँ पे उसको रखा जाए वो कैसा होना चाहिए सूखा स्टोरेज एरिया होना चाहिए वेल वेंटिलेटेड वहाँ पे हवा आते जाते रहना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम रोडेंट्स कोई भी कीटाणु वहाँ नहीं होना चाहिए कोई भी इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है हैंडलिंग हैंडलिंग फूड क्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल हाइजीन ऑफ पर्सन हु हैंडल इट एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग कुकिंग एंड सर्विंग बोला जो फूड क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस आदमी द्वारा रखा गया कौन उसको बनाया और कौन उसको सर्व कर रहा है कौन बाँट रहा है उसके पर्सनल हाइजीन उसके पर्सनली जो हाइजीन होता है उसका स्वास्थ्य होता है उस पर भी निर्भर करता है अनहाइजेनिक फूड हैंडलर्स मे काउस डिजीजे अनहाइजेनिक फूड हैंडलर्स क्या कर सकते हैं डिजीज़ को फैला सकते हैं सच एज डायरिया जैसे कि डायरिया हो गया डिसेंट्री हो गया और टाइफॉइड वगैरह वगैरह therefore food handlers should wash their hands with soap every time before handling food इसलिए क्या जरूरी है कि फूड हैंडलर्स को अपना हाथ धोना चाहिए बार बार किसे धोना चाहिए तो साबुन से धोना चाहिए जब भी वो खाना का रख रखाव करे उसके पहले उसको अपना हाथ साबुन से धोना चाहिए coughing and sneezing near the food should be avoided खासना और छिकना जब हम लोग फूड को रखते हैं तो खासना और छिकना जो होता है उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए नज़रअंदाज करना चाहिए क्लिनस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस कुकिंग क्लिननेस है ना क्लिननेस ऑफ कुकिंग जो खाना पकाने का तरीका है वहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए जहाँ हम लोग बनाते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और जहाँ हम लोग खाते हैं वहाँ पे भी क्या होना चाहिए साफ़ सुथरा होना चाहिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ कुकिंग कुकिंग का अच्छे तरह से साफ सफाई हो ईटिंग प्लेसेस इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फूड क्वालिटी ऑफ फूड जहाँ हम लोग खाते हैं वो भी क्या है फूड का क्वालिटी को मेंटेन करने में आवश्यक होता है द किचन डोर्स द किचन डोर्स एंड विंडोज शुड बी फ्लाई प्रूफ एंड रेड प्रूफ जो किचन डोर होता है और विंडो जो होता है वो कीड़े मकोड़े के आने से रहित होना चाहिए और रेड प्रूफ होना चाहिए ताकि वहाँ कोई चूहा या कीड़ा मकोड़ा ना आ सके या मक्खी ना आ सके द टेंसिल्स एंड डिशे शुड बी क्लीन जो बर्तन है उसे क्या करना चाहिए हमेशा साफ रखना चाहिए और साफ़ किसे करना चाहिए तो हॉट वाटर से करना चाहिए और गुड क्वालिटी डिटर्जेंट से करना चाहिए द वेजिटेबल एंड अदर वेस्ट शुड बी पुट इंटू कवर्ड बीन्स जो वेजिटेबल और अदर वेस्ट जो घर से हम लोग का निकलता है उसको कवर्ड बिन में रखना चाहिए कूड़ादान वैसे जो ढका हुआ हो और सुटेबले डिस्पोज हो जाए आसानी से सड़ गल जाए और अच्छा जगह उसको कहीं पे हम लोग डंप करें या फिर अच्छा से उसको रख रखाव करें ऐसा नहीं कि छिलका वगैरह इधर उधर फेंक दिए उसको अच्छे तरीके से रखना ईटिंग प्लेसेस शुड बी एरी ईटिंग प्लेसेस जहाँ हम लोग खाते हैं वहाँ क्या आना चाहिए हवा आते जाते रहना चाहिए हवा मतलब खुलेदार होना चाहिए फ्लाई फ्री होना चाहिए मक्खी नहीं आना चाहिए डस्ट फ्री प्लेस भी होना चाहिए वहाँ पे डस्ट भी नहीं धुन वगैरह भी नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है कुकिंग कुकिंग प्रोसेस इंक्लूड्स प्री कुकिंग प्रिपरेशन कुकिंग प्रोसेस में क्या होता है प्री कुकिंग प्रिपरेशन मतलब खाना बनाने के पहले जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो इंक्लूड होता है और प्लस कुकिंग कुकिंग मीन्स पकाना गैस पे जो पकाते हैं वो इंक्लूड होता है Food materials such as rice and pulses may lose about परसेंट ऑफ देयर विटामिन बी एंड मिनरल्स इफ़ दे आर ओवर वास्ड बोल रहा है जो राइस होता है राइस जो होता है और पल्सेस जो होता है अगर उसको ओवर वॉश कर दिए ज़्यादा धो रहे हैं तो वो क्या होता है उसका चालीस परसेंट जो उसमें विटामिन बी होता है राइस और पल्स में विटामिन बी का चालीस परसेंट टोटल का चालीस परसेंट हम लोग खो देते हैं लाइकवाइज पील्ड और कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लॉस विटामिन बी इसी तरह से जो छीला हुआ या कटा हुआ सब्ज़ी और फ्रूट होता है उसको अगर हम लोग बहुत बार धोएं वास्ड विगोरसली उसको बहुत बार धोएं तो उसका विटामिन बी और विटामिन सी को हम लोग खो देते हैं ओवर कुकिंग ऑफ़ वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉय मैनी विटामिन बोल रहा है वेजिटेबल का ओवर कुकिंग बहुत ज़्यादा देर तक पका दिए तो उसका क्या होगा जो विटामिन्स होगा वेजिटेबल्स का वो भी खत्म हो जाएगा सिमिलरली इफ़ मीट एंड एग्स आर हीटेड फॉर टू लॉन्ग एब सेवेंटी डिग्री सेल्सियस देर प्रोटीन्स बिकम टू हार्ड टू डाइजेस्ट बोल रहा है इसी तरह अगर मीट और अंडा को हम लोग सत्तर डिग्री सेल्सियस पर बहुत देर तक पकाएं और तो उसका क्या होगा जो प्रोटीन होगा वो बहुत कठिन हो जाएगा हम लोग को पचाने के लिए ऑन द अदर हैंड ईटिंग ऑफ मीट एंड चिकन इन अनकूक्ड और हाफ कुक्ड फॉर्म्स में ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और वर्म्स विच द एनिमल हैज हैज़बिन कैरिंग बोल रहा है कि दूसरी तरफ हम लोग देखें तो क्या होगा अगर हम लोग अनकूक्ड जो सही से पका हुआ मीट और चिकन होगा और उसको हम लोग खाएंगे तो क्या होगा हम लोग के अंदर बहुत सारा बीमारी आ जाएगा ठीक है कीटाणु हो जाएगा हम लोग के शरीर के अंदर जिसको एनिमल्स अपने अंदर कैरी करते हैं हैंस केयर शुड बी टेकन दैट द फूड यू ईट शुड भी प्रॉपरली कुक्ड इस प्रकार से हम लोग क्या करना चाहिए जब भी हम लोग फूड को खाए है ना जब भी हम लोग को फूड को ले फूड को खाए और उसको तो उसका खा ख्याल रखना चाहिए सावधानी बरतना चाहिए और जब भी उसको कुक करें तो प्रॉपरली कुक करना चाहिए ना ही ज़्यादा ओवर कुक और ना ही हाफ़ कुक करना चाहिए प्रॉपरली कुक होना चाहिए तो अभी तक इस पूरे पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियो में अभी तक हमने जो देखा वो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा तो देखते हैं फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ फूड क्या हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोग के जीवन के लिए बहुत जरूरी है इट गिव्स एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड वक्त ये हम लोग को क्या देता है हमारे शरीर का मूवमेंट और उत्साह के लिए एनर्जी देता है इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो एंड कीप हेल्दी अल्सो यह हम लोग का बॉडी को बढ़ने तथा हम लोग को स्वस्थ रखने में मदद करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है वो फूड का मेन सोर्स होता है सीरियल क्रॉप्स सच एज राइस वेट मेज इट ई सी गिव्स अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स बोल रहा है जो सीरियल क्रॉप्स होता है अनाज वाला जो क्रॉप्स होता है जैसे कि राइस हो गया वेट हो गया मेज हो गया ये सब क्या करता है किसी भी दूसरे सोर्स की अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा खाना देता है रूट क्रॉप सच एज याम टर्निप कैरट इट ई सी कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टार्स रूट क्रॉप जो होते हैं जैसे कि याम टर्निप और कैरट जो हो गए वो लार्ज अमाउंट में स्टार्स को कंटेन करते हैं स्टार्च क्या होता है तो सुगरी सबस्टांस होता है जो हम लोग को मीठा लगता है सम लिप्स एज स्पाइनिज मेथी कैबेजिटी सी गिव्स एज फूड्स सम फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर कचनार सेमल आर ऑल्सो यूज एज फूड बुरा कुछ लिप्स भी हम लोगों को खाना देता है जैसे में स्पाइनिज पालक मेथी और बंद गोभी पत्ता गोभी ये सब हम लोगों को खाना देता है कुछ फूल भी होते हैं जो हम लोगों को खाना देते हैं जैसे कॉलीफ्लावर कचनार और सेमल नेक्स्ट है एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क मीट एंड उल जो एनिमल होते हैं वो हम लोग को मिल्क दूध मीट और ऊल देते हैं ऊन देते हैं पोल्ट्री रेफर्स टू बर्ड पोल्ट्री किस को रेफर किया जाता है किसके लिए है तो बर्ड्स के लिए जैसे कि चिकन हो गया डक्स हो गया गीज स्वांस, पिजन्स क्वेल फिजांस एंड टर्कीज ये सब का रख रखा को ही क्या कहते हैं पोल्ट्री कहते हैं वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम देम और हम लोग पोल्ट्री में जो पालते हैं चिकन वगैरह उससे हम लोग क्या लेते हैं तो एग्स लेते हैं और मीट लेते हैं सार्क लीवर ऑयल एंड कॉड लीवर ऑयल आर नेचुरल रिसोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी सार्क लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल जो होता है वो हम लोग को विटामिन ए और विटामिन डी देता है हर भी वॉर एनिमल्स हु डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट मेटेरियल हर ऐसा एनिमल्स होता है जो कि अपना खाना के लिए किस पर डिपेंड करता है प्लांट मेटेरियल पर डिपेंड करता है कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट इट द फ्लेस ऑफ अदर एनिमल कार्निवोरस ऐसा एनिमल होता है जो कि अपना खाना किससे कि लेता है तो दूसरे एनिमल्स का मांस से लेता है दूसरा एनिमल्स का मांस को खा करके लेता है अम्निवर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एज देयर फूड अम्निवरस एनिमल्स वैसा एनिमल होता है जो कि प्लांट का और एनिमल दोनों को अपना खाना के रूप में खाता है द मेन इज एन ऑमनी वर्स और जो मेन है वो इसी कैटेगरी में आता है ऑबनी वर्स कैटेगरी में एक्केवेंजर्स आर क्रिएचर्स दैट इट डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट सच एस डवेंजर्स जो होता है वो ऐसा क्रिएचर होता है जो कि मरा हुआ जानवर और एनिमल वेस्ट को खाता है योर बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन योर एज सेक्स बॉडी वेट एंड ऑक्यूपेशन हम लोग का जो बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग का एज उम्र कितना है कौन क्या हम लोग का जेंडर क्या है हम लोग का बॉडी वेट क्या है और हम लोग का पैसा क्या है क्या काम करते हैं इस बात पे डिपेंड करता है बी एम आर इज़ अ मेजर ऑफ़ हाउ मेनी कैलोरीज योर बॉडी नीड टू मेंटेन इट्स फंक्शन वेन यू आर एट रेस्ट बी एम आर क्या है एक मेज़र है जो कि हम लोग को बताता है कि हम लोगों हम लोग को बॉडी को कितना कैलोरी का आवश्यकता पड़ता है जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं तो उस फंक्शन जब हम लोग का बॉडी रेस्ट में रहता है तो हम लोग का जो फंक्शन होता है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए हम लोग को बॉडी को उसी का एक मेज़रमेंट है बी फूड क्वालिटी कैन बी मेंटेन बाय प्रॉपर स्टोरेज हैंडलिंग कुकिंग इट इज फूड क्वालिटी को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं तो प्रॉपर स्टोरेज सही से भंडार करके हैंडलिंग करके इसका और कुकिंग करके और बहुत सारे तरीक़ों से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश चैनल को और जुड़े रहे हैं हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे सो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन आई वांट टू से सब्सक्राइब स्टडी विथ नीलेश